इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। सम्यक ज्ञान के चार अंग माने गए हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और तृप्यानुयोग। अब हम सबसे पहले प्रथमानुयोग पर विचार करते हैं कि प्रथमानुयोग क्या है। तो हमारे आचार्य शमंतवरदेव ने प्रथमानुयोग के संदर्भ में एक बात कही है, बोधि समाधि निधानम प्रथमानुयोगा। प्रथमानुयोग जो होता है बोधि समाधि का निदान है, जहाँ पर बोधि और समाधि की प्राप्ति होती है वहाँ पर प्रथमानुयोग होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि प्रथमानुयोग एक ऐसा जिसमें पुराण पुरुषों का वर्णन मिलता है। प्रथमानुयोग मर्थाख्यानम चतुम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधि बोधा समीचीना। जो पुराण पुरुषों के और जिनके गौरव को हम समझ करके अपनी धर्म की महिमा को समझते हैं, जैसे तीर्थंकर पुराण पुरुष होते हैं, तीर्थंकरों के साथ साथ बलभद्र होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, नारायण होते हैं, ये सब पुण्य पुरुष और पुराण पुरुष होते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी को देखा जाए तो भले वो तीर्थंकर नहीं थे परंतु उनका महत्व आज तीर्थंकर से कम भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को पढ़ करके हम तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके बोधि और समाधि की प्राप्ति करते हैं। जब भी हमें समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि हमें प्राप्त होने की स्थिति बनती है तो उस समय हमारे लिए एक बात याद आती है कि तो तुमरे जिए कौन दुखे मृत्यु महोत्सव हारी। उन जिन्होंने उपसर्ग को सहन करते हुए भी जरा भी सी भी नहीं डिगी, पार्श्वनाथ भगवान पर ओले शोले सब कुछ बरसे और उन पार्श्वनाथ भगवान ने जरा सा भी अपने ध्यान को पृथक नहीं किया, ध्यान से वो पृथक नहीं हुए, ध्यान से विचलित नहीं हुए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की कहानी सुनकर के हमारे जीवन में एक बात आती है कि हम भी कभी ऐसे बन सकते हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ बहुत सारे, सबसे ज़्यादा तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के हैं। उन तीर्थों में एक तीर्थ हमारा शिरपुर भी है, जिस तीर्थ की को महातीर्थ के रूप में माना गया, जिस सिरपुर तीर्थ के लिए आचार्य कुंद विद्यानंद मदन कीर्ति चिमना और गुणसागर अनेक कवियों ने, कम से कम 21 कवियों ने इस समय अपने साहित्य में सिरपुर के लिए याद किया है। ऐसे सिरपुर के लिए हम अगर भगवान पार्श्वनाथ भगवान के प्रथमानुयोग को याद करें, राजा एल जो राष्ट्रकूट वंश का राजा रहा है, जिसका नाम दूसरा श्रीपाल भी था, उसके कोड़ की दूर होने की कहानी सुन करके जिसके कोड़ दूर हुआ था यहीं सिरपुर पार्श्वनाथ में, जो एक गोपाल से श्रीपाल बना जिसने काफ़ी अपने श्रम को किया, तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म की महिमा अगर कहीं से प्रकट होती है तो हमें प्रथमानुयोग से ही धर्म की महिमा मिलती है। इसलिए प्रथमानुयोग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। आख्यान जितने हमें सुनने को मिलते हैं, कहानी मिलती हैं, पुराण साहित्य मिलते हैं, इनके पुण्य चरित्र जो हमें मिलते हैं, उनके पुण्य चरित्र सुनकर के पढ़कर के और हम अपने जीवन में एक महिमा उनकी गा करके कि कितने महान होने के बाद, कितने वैभवशाली होने के बाद भी उन्होंने अपना रूप दिगंबर रूप धारण कर लिया और 24 तीर्थंकरों के जितना भी हम चरित्र को जान लें कि हमें एक बाल देख करके जिन्हें वैराग्य हो गया, एक बाल झड़ते हुए देख करके वैराग्य हो गया, जिन्हें वैराग्य के कई कारण होते हैं, उन कारणों को समझ करके हम इन पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान जैसे तीर्थंकरों का चरित्र पढ़ करके हम अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ सकते हैं और वैभव त्यागी बन करके, विषय वासना का त्याग करके, विषय भोगों का त्याग करके आत्महित के पथ पर चल सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
संस्कार सागर पंचपाल्यती इंदौर।